Assalamu alaikum. My name is Tamir and you are watching Live HR Consultants Pakistan. आज का जो हमारा सेशन होने जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है कनाडा पर. बहुत सी ऐसी क्यूरीज हमें रिसीव हुई है स्टूडेंट्स की, बहुत से ऐसे सवाल है स्टूडेंट्स के जो कि स्टूडेंट्स करना चाह रहे हैं हमसे, बहुत सी ऐसी क्यूरीज है जो कि हमें रिसीव हुई है स्टूडेंट्स की. हम आज उस पर डिस्कस करेंगे और आप भी हमें लाइव अपनी क्यूरीज को हमसे डिस्कस कर सकते हैं अभी. तो आज हमारे साथ अवेलेबल है हमारे कनाडा के सीनियर एडमिशन ऑफिसर. थैंक यू मिस्टर साथ, आपने हमें ज्वाइन किया. अच्छा, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे आज बुलाया और एक मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन कनाडा के ऊपर आज हम बात करने वाला हूँ मैं इस चीज को लेके. और सबको मेरी तरफ से सलाम, जितने हमारे व्यूवर्स हैं, और होप करता हूँ कि आप लोग सब अपने घरों में खैर और आफियत के साथ जिंदगी गुजार रहे होंगे और गवर्नमेंट की दी हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हूं. जी, थैंक यू. अच्छा, आज का तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे एक जो क्वेश्चन करूंगा, बहुत से ऐसे हमारी जो ऑडियंस है, बहुत से हमारे देखने वाले स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट जो है वो कनाडा जाना चाह रहा है स्टडी के लिए और उसका ये सवाल है कि व्हाई कनाडा, मेरा एक इंटरेस्ट है कनाडा में स्टडी के लिए, तो मैं क्यों जाऊँ स्टडी के लिए कनाडा. तो इस पर थोड़ी सी हमें ब्रीफ कीजिएगा हमारी ऑडियंस को, हमारे स्टूडेंट्स को कि व्हाई कनाडा. ताहिर, ये बहुत ही ज्यादा एक आप बता सकते, सबके सब जानते हैं कि कनाडा सबसे ज्यादा वेलकम करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को और इवन इमिग्रेंट्स को ऑल अराउंड द वर्ल्ड. प्लस कनाडा के अंदर आपकी जो प्रोग्रेशन है, चाहे वो डिग्री के बाद सेटलमेंट का हो, चाहे वो इमिग्रेशन का हो, चाहे वो किसी और प्रोस्पेक्ट से आप वहां पे अपनी स्किल इमिग्रेशन करना चाह रहे हो, वो बहुत स्मूथ है और इजिएस्ट है. ठीक है, तो उसमें इतनी ज्यादा आपको हर्डल्स फेस करनी नहीं पड़ती. आपके पास एक क्लियर स्ट्रीम आपको मिली हुई होती है टुवर्ड्स सेटलमेंट अच्छे फ्यूचर के लिए. और कनाडा आप जैसे जानते हैं कि सबसे ज्यादा नॉमिनेशंस उनकी आती हैं सेटलमेंट को लेके, मोर देन 3,000 to 4,000 के करीब पर ईयर. तो कनाडा एक आपको एक अच्छा सेटअप प्रोवाइड करता है अपना आपको सेटल डाउन करने के लिए, एक अच्छी स्टडी लेने के लिए. अच्छी रैंक यूनिवर्सिटीज उनके पास अवेलेबल है, एक गुड करियर ग्रोथ आपको वहां पे मिल जाती है. इसलिए कनाडा सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग डेस्टिनेशन है या फिर स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस के अंदर आता है. ठीक हो गया. अच्छा, ये तो बात होगी हमारी इस पर. अब मुझे मेरा एक सवाल आपसे ये है कि हमारे पास बहुत सी ऐसी क्यूरियस रिसीव हुई है स्टूडेंट्स की ना स्पेशल कनाडा के लिए, कि अभी रिसेंटली जो न्यू पॉलिसीज बिफोर सम टाइम कनाडा ने अनाउंस की थी एसटीएस प्रोग्राम, तो ये बहुत से ऐसे सवाल आते हैं, बहुत सी ऐसी क्यूरियस हमें रिसीव हुई है एसटीएस के हवाले से. तो कांडी इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए कि एसटीएस का क्या प्रोसीजर है, ये इसका मतलब क्या है. बेसिकली स्टूडेंट्स पूछना चाह रहे हैं इसका मतलब क्या, क्या प्रोसीजर है इसका. तो इसको एसडीएस स्टैंड फॉर स्टूडेंट डायरेक्टरी. ठीक है, इसमें ये लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ था, इससे पहले ये इंट्रोड्यूस हो चुका था आपका इंडिया और फिलीपींस बाकी नेशंस के लिए. ठीक है, अब यहाँ पे ये हुआ था कि कह सकते हैं पाकिस्तान की अच्छी खुशकिस्मती ये थी कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी इसके लिए नॉमिनेट कर दिया गया. इसकी अच्छी वजह ये थी कि आपको वीजा मिलने के चांसेस पहले अगर 50% या 60% 70% होते थे तो आपके 99% हो जाते हैं. और ये बहुत फास्ट स्ट्रीम है, इसके अंदर आपका जो डिसीजन मेकिंग टाइम है वो तकरीबन जो एज पर दी कनाडा हाई कमीशन वो आफ्टर अप्लाइंग वीजा एप्लीकेशन 20 days है. तो आपका वीजा डिसीजन आपका जल्दी आ जाता है और इसके अंदर आपको इस चीज की टेंशन नहीं होती. आपके एक साल की आप फंड्स ट्यूशन फी आप पे कर चुके होते हैं, प्लस आप जो है जीआईसी गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट के तौर पे अपनी लिविंग कॉस्ट कैनेडियन बैंक के अंदर जमा करा चुके होते हैं. तो आपके वीजा चांसेस इसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और फास्ट ट्रैक प्रोसेसिंग है और जल्द से जल्द आपके वीजा आपको मिल जाते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को. तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए. ठीक हो गया, मींस क्या जो इसका जो फास्ट ट्रैक है वो 20 डेज का है. मींस दैट मींस के आप जो है वो 20 डेज के अंदर जो कैनेडियन जो कंट्री है वो इसको अनाउंस कर देती है 20 डेज के अंदर अंदर वीजा. ये फास्ट ट्रैक आपका वीजा, आपका वीजा डिसीजन आ जाता है 20 डेज के अंदर, यानी कि आफ्टर अप्लाइंग वीजा केस 20 डेज. उससे पहले आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो अलग है. ठीक है, तो जो एडमिशन प्रोसेस का टाइम है लेट्स से 20 डेज का टाइम है. ठीक है, 20 डेज का टाइम है, तो हमें कितने दिन पहले जो है वो एडमिशन प्रोसेस करना है ताकि हम इसके लिए जो है वो अवेलेबल हो सके. जहां हम बात करते हैं ना कनाडा की, कनाडा बाकी सारी कंट्रीज से बहुत मुख्तलिफ है. ठीक है, कनाडा के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के ऊपर आपकी असेसमेंट चल रही होती है.
ज्यादातर जब तक उनकी डेडलाइंस होती हैं तब वो एप्लीकेशंस लेते हैं, अपने पास सिक्योर करते हैं, उसके बाद मेरिट बेसिस के ऊपर वो ऑफर लेटर्स जनरेट करते हैं। जब हम बात करते हैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज की, तो सबकी ज्यादातर जो डेडलाइंस है सेप्टेम्बर इंटेक की, वो आपकी मार्च के फर्स्ट वीक में या फिर फेब के लास्ट वीक की होती है। उससे पहले आपको एप्लीकेशन सबमिट हो जानी चाहिए। अब जहां तक बात रही आईएलटीएस की या फिर जीमेट की, वो बच्चे लेटर ऑन सबमिट करा सकते हैं, वो भी अप्रैल या मई तक ज्यादा, क्योंकि हमें एक जो फाइनल हमारे पास जो ऑफर लेटर आ जाती है जब हम पूरी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लेते हैं, वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज की अराउंड मई के अंदर हमारे पास आ चुकी होती है, तो उसके बाद हम प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। आपका कहने का मतलब है कि 20 डेज से पहले हम अपने डॉक्यूमेंट्स जो है उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो हमें एडमिशन प्रोसेस में डाल देंगे। ऐसा ही है ना कि हमें एडमिशन प्रोसेस में डाल देंगे, लाइक हम उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पर हो जाएगा स्टूडेंट के, उसको 20 डेज के अंदर जो है हमने डिसीजन देना ही देना है। ऐसा ही जी मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूँ। देखिए पहला हमारा प्रोसेस ये होता है कि हम बच्चे से डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी को सेंड करते हैं पूरी कंप्लीट एप्लीकेशन बना के, यूनिवर्सिटी उसके बाद हमें ऑफर लेटर जनरेट करती है। आपके बच्चे के ऊपर होता है कि बच्चा स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के थ्रू वीजा अप्लाई करने वाला है, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के थ्रू वीजा, ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आई एम लिसनिंग यू। ठीक है, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के थ्रू वीजा अप्लाई करने वाला है या सिंपल वीजा एप्लीकेशन करने वाला है? अगर स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के थ्रू वीजा अप्लाई करने वाला है तो वो आपको पूरे साल की फी पे करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आता है जिसकी बेस पे वीजा एप्लीकेशन फाइल होती है आपकी 20 डेज वाली एसडीएस की। अगर वो हाफ पेमेंट करता है या इनिशियल डिपॉजिट देता है तो वो सिंपल वीजा एप्लीकेशन फाइल करता है। सिंपल वीजा एप्लीकेशन में आपसे दो या तीन मंथ का आपको टाइम चाहिए होता है वीजा डिसीजन के लिए। एसडीएस के अंदर आपका जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो 20 डेज होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी ऑफर लेटर को कब अनकंडीशनल करवा के अपना डिपॉजिट पे करते हैं, चाहे वो फुल ईयर फी का हो या इनिशियल डिपॉजिट हो। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सवाल है, क्राइटेरिया से एंट्री रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि फाउंडेशन की क्या रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे ने ओ लेवल्स किया हुआ है, ठीक है, या फिर इंटर किया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइएगा कि क्या मैट्रिक वाला इसमें अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें यह है कि ओ लेवल्स वाला कर सकता है, अगर ओ लेवल्स वाला कर सकता है तो उसके क्या ग्रेड्स चाहिए, या फिर इंटर के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए। काइंडली ये एंट्री रिक्वायरमेंट थोड़ा सा हमें गाइड कीजिएगा स्टूडेंट्स को। देखिए मैं आपको इस चीज को लेकर बहुत चीज क्लियर कर देता हूँ जो यहाँ पे व्यूअर्स हैं उनको भी। जब हम मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहे होते हैं तो मैट्रिक वाला डायरेक्टली अकोमोडेट नहीं करती यूनिवर्सिटीज, ठीक है, उनको कोई ना कोई अपना पाथवे बनाना पड़ता है अपनी इक्विवेलेंसी बनाने के लिए, जो 12 इयर्स से 13 इयर्स के इक्विवेलेंट हो जाए, जिसकी बेस पे आपका डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है। और वो जो इक्विवेलेंसी जो प्रोवाइड करते हैं वो कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज नहीं करती मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स को। तो आपको जो जो कॉलेज हो गए, जैसे कैम्ब्रिया कॉलेज हो गया या कुछ और कॉलेजेस हो गए, जब बच्चे हमें डॉक्यूमेंट्स या स्टूडेंट्स हमें डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे तो हम उनको एसेस करके बता देंगे कि क्या क्या उनके पास ऑप्शंस हैं और कौन कौन से कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस उनको अकोमोडेट करके वो पाथवे प्रोवाइड कर देंगे डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के लिए। अब बात आ जाती है ओ लेवल्स वाला बच्चा या फिर इंटरमीडिएट के अंदर जो 50s के अंदर परसेंटेज लेके आया होता है, ये लोग जो है ये डायरेक्ट फाउंडेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। अब हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग एंट्री रिक्वायरमेंट्स होते हैं ग्रेड्स को लेके, ओ लेवल्स को लेके। तो जब बच्चा हमें चीजें सेंड करेगा तो हम वो उन यूनिवर्सिटीज की लिस्ट सॉर्ट आउट करके उनको हम प्रपोजल बना के देंगे, जिसके बाद हम उसको फिर बाद में बैठ के अप्लाई करेंगे। इसी तरह एएस के अंदर भी कुछ यूनिवर्सिटीज आपको पाथवे दे देती हैं, जिसमें अगर आपके पास 4 एएस के सब्जेक्ट हों तो आप हम उसके ऊपर भी डायरेक्ट एंट्री के लिए कर सकते हैं, जस्ट लाइक डिप्लोमा की तरह होता है और इक्विवेलेंट टू फर्स्ट ईयर ऑफ डिग्री प्रोग्राम की तरह होता है, वो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। इवन होप लेटर्स के ऊपर भी हम कनाडा के अंदर हम आपको ऑफर लेटर्स मंगवा के दे सकते हैं और यूनिवर्सिटीज आपको अकोमोडेट करती हैं। और ए लेवल्स के लिए तो डायरेक्ट एंट्री है, और इंटरमीडिएट के अंदर एचएससी स्टूडेंट्स के लिए 60s के अंदर या फिर 70s के अंदर जो मार्क्स लेके बैठे हैं ओवरऑल, वो भी डायरेक्ट एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमें वो देखना पड़ेगा कि अभी अवेलेबल ऑप्शन क्या है, तो उसके हिसाब से हम उनको फिर गाइड कर देंगे और यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन दे देंगे। अच्छा, नेक्स्ट मेरा सवाल आपसे ये है, आपने भाई जैसा कि बताया कि 60% या 70% इंटर के लिए जो रिक्वायरमेंट है, एक बच्चा है उसके 60% से
मार्क्स कम है, तो क्या वो एलिजिबल है कैनेडा के लिए या नहीं है, या अगर है या फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए हो सकता है या डायरेक्टली नहीं हो सकता, ये बताइए। फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए वो एलिजिबल है, ठीक है, फाउंडेशन अगर 60 वाला और एवरेज अगर 60 के अंदर उसके मार्क्स हैं सब्जेक्ट्स के अंदर, मेजर सब्जेक्ट्स के अंदर, तब वो डायरेक्ट एंट्री के लिए भी एलिजिबल है। अगर वो चाहे वो पाथवे के थ्रू हो, चाहे वो डिप्लोमा के थ्रू हो, चाहे वो ट्रांसफर प्रोग्राम के थ्रू हो, वो होगा इक्विवेलेंट टू फर्स्ट ईयर ऑफ डिग्री प्रोग्राम, उसका कोई ईयर एक्स्ट्रा नहीं लग रहा होगा, 4 साल में ही उसका डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट हो रहा होगा। अच्छा ठीक हो गया, ये चीज हो गई। मुझे एक चीज ये बता दीजिएगा, यहाँ पर गाइड कर दीजिएगा कि फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए कुछ परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है, फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए लेट्स से एक बच्चा जा रहा है, ठीक है, उसके लिए क्या परसेंटेज रिक्वायर्ड है? मिनिमम 50 के अंदर इंटरमीडिएट के लिए, मिनिमम 50 के अंदर होनी चाहिए। और एक चीज यहाँ पर मुझे क्लियर कीजिएगा और हमारी ऑडियंस को क्लियर कीजिएगा कि अगर स्टूडेंट का कोई स्टडी गैप है, यहाँ पर लेट्स से एक बच्चे ने इंटर किया हुआ है 2016 में या 17 में किया हुआ है, तो 2020 जा रहा है, तो क्या बच्चा अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता, स्टडी गैप के बारे में गाइड कीजिए। देखें ताहिर, स्टडी गैप हम दो वे के अंदर बोल सकते हैं इसको। ज्यादातर पाकिस्तानी बच्चे यहाँ पे ये करते हैं कि इंटर करने के बाद वो आईएलटीएस के लिए अपेयर हो रहे होते हैं, ठीक है। आईएलटीएस के लिए जब वो अपेयर हो रहे होते हैं तो वो तकरीबन 2 महीने या 3 महीने का आईएलटीएस का कोर्स करते हैं प्रिपरेशन का, और फिर आईएलटीएस के लिए वो अटेम्प्ट दे देते हैं, जो 6 मंथ्स का या 7 मंथ्स के अंदर वो अटेम्प्ट हो जाती है, और फिर वो नेक्स्ट अगले साल के इंटेक के लिए कर रहे होते हैं अप्लाई। तो वहां पे समझ में आ रहा होता है कि वो साथ में एक चीज लगा रहे होते हैं, जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं कि उन्होंने गैप में क्या किया, वो कहीं ना कहीं एंगेज रहे। अब जैसे आपने केस स्टडी बताई कि 2016 के अंदर बच्चा एक इंटर करके बैठा है, या फिर एचएससी उसने पास किया या ए लेवल्स पास किया है, और 17, 18, 19 तक का उसका गैप आ रहा है, तो ये जस्टिफाइबल नहीं है, क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा कभी भी अपनी एजुकेशन को 3 साल तक नहीं रोक सकता। ज्यादा ज्यादा 6 मंथ्स के अंदर वो कोई डिप्लोमा कर लेगा, या फिर अगर कोई इंटर्नशिप करनी होगी वो कर लेगा, या मैक्सिमम 1 साल तक कर लेगा। अगर वो 2 साल या 3 साल का गैप देते हैं, क्योंकि एचएससी हाई स्कूल के बराबर होता है, क्योंकि बच्चे को अपनी एक मेजर, एक पाथवे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करनी होती है, जिसके लिए बैचलर प्रोग्राम उसको सिलेक्ट करना होता है। अगर वो उसमें ही गैप ले लेगा, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि आप यूनिवर्सिटीज उसको एज अ जेन्युइन स्टूडेंट कंसिडर करें? इसके बाद मेरा सवाल, जिस तरह आपने बताया कि 2017 टू 2020 अगर लेट से एक बच्चे ने कोई जॉब वगैरह की भी है, वो ये भी कंसीडर नहीं की जाएगी? देखिए मैंने आपको ये चीज बताई कि यूनिवर्सिटीज का क्राइटेरिया होता है, ठीक है, इसी तरह हाई कमीशन का भी क्राइटेरिया होता है। हम यूनिवर्सिटीज को, चले हम एक चीज हम करते हैं, हम बोलते हैं कि हाँ बच्चे ने जॉब की थी, एचएससी वाला स्टूडेंट या ए लेवल्स वाला बच्चा डिग्री प्रोग्राम शुरू किए बगैर जॉब पर लग जाए या जॉब करना शुरू कर दे, तो हम अगर हम भी एज अ वीजा ऑफिसर होंगे तो, या फिर हम भी एडमिशन ऑफिसर होंगे यूनिवर्सिटी के, तो हमारे जहन में यही आएगा कि अगर कोई बच्चा इस एज पे जो 19 या 18 की एज होती है, वहीं से अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट कर दे, तो या तो फिर फैमिली को फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, तभी बच्चा ये कर रहा है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उनका बच्चा जो है या उनका सिबलिंग हो गया कोई भी है, वो अपनी हाई स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी शुरू किए बगैर अब जॉब पे लग जाए, प्रोफेशनल लाइफ शुरू कर दे, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ टिपिकली आपकी ऑनर्स डिग्री के बाद शुरू होती है, एचएससी के बाद नहीं होती। तो मैं यही चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि एप्लीकेशन भेजने पे कुछ नहीं है, लेकिन बात वही आती है कि वो कंसिडरेशन किस लेवल के ऊपर करेंगे, कि आपके पास स्टडी गैप एक हद तक होना चाहिए कि आप 6 मंथ्स का, वो भी समझ में आते हैं जस्टिफाइबल है, 1 साल का है तो वो भी जस्टिफाइबल है, या फिर वो बच्चे जो या फिर बीकॉम के अंदर इनरोल हो गए, या फिर आप कह सकते हैं किसी और डिग्री प्रोग्राम के अंदर इनरोल हो गए, वो भी हम दिखा सकते हैं, लेकिन जॉब एक्सपीरियंस 3 साल का या 4 साल का दिखा के आप फिर करें तो चांसेस आपके बहुत कम होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं बैचलर्स प्रोग्राम के लिए। बैचलर्स प्रोग्राम के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? ठीक है, एक बच्चा है, लेट्स से वो बैचलर्स प्रोग्राम के लिए जाना चाह रहा है, ठीक है, और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है बैचलर में, वो उसके लिए, सॉरी दूसरे, मेरा कहने का मींस कि ये मतलब है कि बैचलर से मास्टर प्रोग्राम के लिए जाना चाह रहा है, ठीक है, इंटर के लिए तो आपने क्लियर कर दिया कि सेकेंड ईयर के लिए ये रिक्वायरमेंट्स है, बैचलर से जो मास्टर प्रोग्राम के लिए जाना चाह रहा है बच्चा है, उसके लिए क्या CGPA रिक्वायरमेंट होती है, या तो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी उसके लिए रिक्वायर्ड होती है या नहीं होती है? अगर CGPA है तो वो क्या रिक्वायर्ड है, और उसमें अगर कोई स्टडी गैप है, क्योंकि वो तो बैचलर्स वाला बच्चा है, क्योंकि बैचलर्स के जो मोस्टली बच्चे होते हैं वो साथ साथ जॉब भी कर रहे होते हैं,
और स्टडी गैप भी आ जाता है इसमें, ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा। तो ये चीज को क्लियर कीजिए कि क्या सीजीपीए रिक्वायर्ड होता है, और अगर स्टडी गैप में अगर उस बच्चे ने जॉब की है तो क्या कंसिडर करता है कैनेडा उस बच्चे को फॉर मास्टर प्रोग्राम। जी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपका ऑनर्स डिग्री के बाद स्टडी गैप है और प्रोफेशनल लाइफ आपने स्टार्ट कर दी है तो वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये एक जेन्युइन स्टूडेंट की पहचान होती है कि वो जो चीज बेसिक्स पढ़ के बैठा होता है उसके अंदर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करता है, और उसके बाद वो मास्टर्स के अंदर उस स्किल्स को और आप पॉलिश करने के लिए फिर वो उसी फील्ड के अंदर मास्टर्स कर रहा होता है जिसके अंदर उसने जॉब ली होती है। तो ये एक चीज एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई मसला नहीं है। मिनिमम जो आपका जो सीजीपी रिक्वायरमेंट आ जाती है वो 3 GPA की होती है, और कुछ यूनिवर्सिटीज 2.8, 2.7 या 2.5 के ऊपर भी अकोमोडेट कर देती हैं, लेकिन वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि हमारा जो ग्रेडिंग क्राइटेरिया होता है, ग्रेडिंग स्किल होता है, वो हर यूनिवर्सिटी का अलग होता है। तो हमें जस्टिफाई करने के लिए, जस्टिफिकेशन के तौर पर हमें ग्रेडिंग स्केल भी लगाना होता है यूनिवर्सिटी का। हम सपोज कर सकते हैं NED का है, वहां पे 2.3 या 2.4 या 2.5 के ऊपर 70s के आसपास आपकी परसेंटेज इक्विवेलेंसी बन जाती है। तो इसलिए हम ये करते हैं कि हम साथ में ग्रेडिंग क्राइटेरिया लगाते हैं, उसके साथ हम अप्लाई करते हैं बच्चे का, तो और इंशाल्लाह हो जाता है, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर बच्चे की 2.8 है या 3 है या 2.5 भी है तो हो जाता है। इवन अगर उससे भी कम है, 2.2 या 2.3 या 2.4 बच्चा लेके बैठा है, तो ग्रेजुएट डिप्लोमा के साथ भी एंट्री हो जाती है कनाडा के अंदर। तो कोई भी ऐसा नहीं कि खाली हाथों, कनाडा सबके लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट मेरा आपसे सवाल ये है, मास्टर प्रोग्राम, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सी ऐसी हमारे पास क्यूरीज हैं मास्टर प्रोग्राम्स के लिए, हमें रिसीव हुई है क्यूरीज स्टूडेंट्स की स्पेशल के आपसे डिस्कस किया जाए, ठीक है। तो मास्टर प्रोग्राम के लिए थोड़ा गाइड कीजिए कि मास्टर प्रोग्राम में क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या मास्टर जिसने ऑलरेडी मास्टर्स किया है वो बच्चा जा सकता है कनाडा या नहीं जा सकता, अगर जा सकता तो क्या एंट्री रिक्वायरमेंट है उसकी, और वो किस प्रोग्राम में डायरेक्ट जाने के लिए, उसमें कोई इतना इशू नहीं है। अब बात आ जाती है कि वो प्रोग्राम कौन सा सेलेक्ट करते हैं। ज्यादातर जो यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही होती है, MBA हो गया, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट हो गया, या इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हो गए, कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर GMAT की रिक्वायरमेंट है, कुछ में GRE की, कुछ में आपकी IELTS की। मास्टर्स के अंदर IELTS की जो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट और एक एवरेज अच्छी रिक्वायरमेंट जो होती है वो 6.5 और 16 ईच बैंड की होती है। इसी तरह जब हम GMAT की बात कर रहे हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज का जो रखते हैं हम, तो 600 से लेके 620 तक आप कह सकते हैं एक अच्छा स्कोर है एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करने का। तो जब बच्चा हमें डॉक्यूमेंट सेंड करेगा तो हम वो ऑप्शन बता देंगे एज पर देयर बजट रिक्वायरमेंट, तो हम वो यूनिवर्सिटीज की एंट्री रिक्वायरमेंट बता देंगे कि वो कहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी क्या GMAT स्कोर और क्या IELTS मांग रही है, तो वो उस पर हो जाएगा। लेकिन एक बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी IELTS की 6.5 16 ईच की है, और चाहे तो बच्चा अभी भी अप्लाई कर सकता है, इसमें कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। अभी वो सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ कर सकता है, बाद में GRE GMAT या IELTS के लिए अपेयर हो सकता है और कंडीशन ऑफर लेटर अपना सिक्योर कर सकता है। दो चीजें हो रही है, एक ACCA और एक लॉ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करूंगा ACCA पर, क्या एक बच्चे ने ACCA किया हुआ है और वो या अगर उसका कंटिन्यू है तो क्या वो अपना फर्दर ACCA कंटिन्यू कर सकता है कनाडा में, कनाडा में ऑप्शन है ACCA के लिए या नहीं, फर्स्ट। सेकंड ये है कि लॉ से रिलेटेड प्रोग्राम, क्या एक बच्चा LLB LLM या किसी भी लॉ से रिलेटेड प्रोग्राम के लिए जाना चाह रहा है तो वो उसको कनाडा में कंटिन्यू कर सकता है या नहीं कर सकता, या अवेलेबल नहीं है, इस चीज को गाइड। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट आपने क्वेश्चन किया, मेरे पास अच्छी खासी क्यूरीज आती हैं लॉ को लेके और वो भी आपका ACCA को लेके, मेन है ना ACCA और लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं आपको बहुत कुछ बताता हूँ। अगर ACCA की उसके पास मेंबरशिप है, ठीक है, अगर वो मेंबरशिप लेकर बैठा है ACCA की या OBU की डिग्री ली हुई है उसने ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स की साथ में, तो वो एलिजिबल हो सकता है डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए मास्टर्स के लिए। इवन अगर वो बच्चा जिस चीज का ACCA चल रहा है, 9 पेपर जिसके क्लियर हो गए या उसके बाद मेंबरशिप नहीं है, तो हम कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर वो उनको क्रेडिट एग्जेम्पशन दिलवा के भी मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करवा सकते हैं या बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्रेडिट एग्जेम्पशन की बेसिस के ऊपर। तो ACCA की वो स्टूडेंट जो अभी इनरोल्ड हैं, कुछ पेपर्स क्लियर करके बैठे हैं, तो उनके लिए क्रेडिट एग्जेम्पशन का ऑप्शन है। वो लोग जो मेंबरशिप लेके बैठे हैं या फिर OBU की डिग्री लेके बैठे हैं,
वो भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई इतना मसले वाली बात नहीं है एसीसी की। अब बात आ जाती है लॉ स्टूडेंट्स की। अब लॉ के मेरे पास ज्यादातर ये आता है कि हमें वहां पे डायरेक्ट जाना है और वहां पे जाके प्रैक्टिसिंग करनी है या वहां पे जाके हमें एज अ लॉयर के तौर पे काम करना है कनाडा के अंदर। देखें, हर किसी की अपनी बार एसोसिएशन के लाइसेंस होते हैं। पाकिस्तान में ज्यादातर यूके का लॉ फॉलो होता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का अलग है, कनाडा का अलग है, यूएसए का अलग है, इसी तरह। जब आप कनाडा के अंदर जा रहे होते हैं तो कनाडा के अंदर आप क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड प्रोग्राम या सोशल साइंस से रिलेटेड प्रोग्राम्स के अंदर जा सकते हैं, लेकिन वहां जाके आपको बार के टेस्ट पास करने पड़ते हैं अगर आप यहाँ के LLM केविड लॉ ग्रेजुएट है, यहाँ का आपके पास लाइसेंस है अगर बार का, तो ठीक है, तो वहां पे आपको अपनी एग्जेम्पशंस करवानी होती है, एफिलिएशन लेनी होती है, तब जाके आप बार के कोर्सेज के अंदर जाके इनरोल होते हैं और वहां पे प्रैक्टिसिंग के तौर पे काम कर सकते हैं। अदरवाइज आपको JD का प्रोग्राम करना पड़ता है जो ज्यूरिस डॉक्टर का होता है, वो जस्ट लाइक अ बैरिस्ट्री, तब जाके आपको लाइसेंस मिलता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। अदरवाइज वो लॉ फर्म्स के अंदर तो काम कर सकते हैं लेकिन कोर्ट्स के अंदर जाके अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कोई केस पुट ऑन नहीं कर सकते या किसी के बिहाफ पे क्लाइंट नहीं बन सकते, वकील इसको कहते हैं वकालत नामा साइन नहीं कर सकते जब तक उनके पास लाइसेंस ना हो। तो ये डिपेंड करता है लाइसेंस के ऊपर। इवन यही चीज डॉक्टर्स के लिए भी है, इवन यही चीज आपकी बाकी लोगों के लिए भी है। अच्छा ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा, ACC का आपने बताया कि BS ऑनर्स की डिग्री के बेस पे अगर ऑक्सफोर्ड डिग्री है वो मास्टर्स के लिए बचा जा सकता है। मुझे ये चीज यहाँ पर कंफर्म कर दें कि उसके लिए क्या कोई परसेंटेज रिक्वायर्ड है या फिर उसने जस्ट क्लियर करनी है डिग्री, क्योंकि उसकी पासिंग OBU की डिग्री जो होती है वो 2-1, 2-2 की होती है, वैसे जो एक एवरेज बच्चे की डिग्री होती है उसके ऊपर तो आपकी एक्सेप्टेंस हो जाती है, उसके इतना मसला नहीं है। लेकिन कोई अगर थर्ड क्लास ऑनर्स लेके बैठा हो या उस तरह के लिए हो, उसमें देखना पड़ता है हमें कि करना क्या है। उसमें फिर यूनिवर्सिटी से पहले हमें उसके डॉक्यूमेंट्स एसेस करवाने पड़ते हैं, डायरेक्टली हम लोग नहीं करते उसमें, हमें पहले हम असेसमेंट करेंगे उसके डॉक्यूमेंट्स लेके। अच्छा, असेसमेंट करेंगे आप डॉक्यूमेंट्स लेके, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं MBBS के लिए। बहुत सी ऐसी क्यूरीज हैं जो MBBS के लिए कनाडा जाना चाह रहे हैं, लाइक जो डॉक्टर से रिलेटेड कोर्सेज हैं, ठीक है, और MBBS से रिलेटेड कोर्सेज बहुत से ऐसे हैं, वो कनाडा जाना चाहते हैं, तो क्या कनाडा में अवेलेबल हैं कोर्सेज, ये गाइड कीजिएगा। MBBS डायरेक्ट पाकिस्तानी HSC स्टूडेंट जो होते हैं प्री मेडिकल वाले, उनको डायरेक्ट अवेलेबल नहीं होता। उनको पहले जनरल साइंस के अंदर 4 साल की डिग्री लेनी होती है, उसके बाद जाके उसका MBBS कंटिन्यू होता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और काफी कॉस्टली प्रोसेस है। तो मेरे पास अगर क्यूरी आती भी है MBBS को लेकर, तो मैं ज्यादातर रिकमेंड करता हूँ कि वो अपने आप को यूके में प्लेस करें, वहां से MBBS करें, फिर स्पेशलाइजेशन के लिए आप परस्यू कर सकते हैं। कनाडा अगर आप करना चाह रहे हैं तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा उनको, क्योंकि पहले उनको एक जनरल साइंस की डिग्री लेनी होगी, उसके बाद वो MBBS उनका कंटिन्यू होता है। MBBS के लिए परसेंटेज क्या चाहिए होती है? लेट्स से एक बच्चा कनाडा में जाना चाह रहा है, मैंने आपको बताया पहले जनरल साइंस का उसको एक प्रोग्राम होगा, वो तकरीबन आपकी मैंने 60% के अंदर होनी चाहिए आपकी, मिनिमम 60s के अंदर। एक बच्चा, सॉरी टू कट यू, एक बच्चा लेट्स से इंटर के पास जाना चाह रहा है, मेडिकल में उसने किया हुआ है, ठीक है, उसके 70% मार्क्स है, क्या वो MBBS के लिए जा सकता है कनाडा? दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट करिएगा। मैंने बोला एक बच्चा है, मेडिकल स्टूडेंट है, ठीक है, उसके 70% मार्क्स है इंटर में, ठीक, क्या वो जा सकता है 70% की बेस? डायरेक्ट 70% की बेस पे नहीं जा सकता, मैंने आपको बताया इंटरमीडिएट स्टूडेंट जो होता है 12 इयर्स के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, तो डायरेक्ट एंट्री उसकी वैसे भी नहीं होती। अगर वो करेगा तो या तो फाउंडेशन उसको पहले करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद एलिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी कि वो डायरेक्ट इनरोल हो सकता है कि नहीं हो सकता है MBBS प्रोग्राम के लिए, अदरवाइज उसको फिर जनरल साइंस का प्रोग्राम पहले करना होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, दो चीजें हैं, एक स्कॉलरशिप्स है, ठीक है, पार्शियल स्कॉलरशिप या स्कॉलरशिप जो भी प्रोवाइड कर रही है कैनेडियन यूनिवर्सिटीज, ठीक है, और उसके बाद फिर हम आयुष से बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमें स्कॉलरशिप्स का बताइएगा कि कितने परसेंट तक स्कॉलरशिप्स ऑफर की जा रही है कैनेडा में? देखिए, कैनेडा में पार्शियल स्कॉलरशिप्स आपके पास अवेलेबल होती हैं, ठीक है, उसके अंदर आपके पास 1500 से लेके 3000 तक की या 4000 तक की होती हैं, लेकिन वो केस टू केस वेरी कर रहा होता है, और ज्यादातर डायरेक्ट ए लेवल जो स्टूडेंट एज लेके लिए होते हैं स्टूडेंट्स,
उनके लिए एलिजिबिलिटी ज्यादा आसान होती है बनिस्बत एचएससी स्टूडेंट्स के डायरेक्ट एंट्री में। तो वो मैंने आपको बताया कि जब डॉक्यूमेंट बच्चे के आते हैं उसके बाद हम एसेस करके बताते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में कितना अकोमोडेट हो सकता है। और जहां तक बात आ जाती है 50% या 100% की, तो एज एच 50% स्कॉलरशिप तो अवेलेबल नहीं है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए अगर हम डायरेक्ट बात करें। और अगर बात करते हैं हम वैसी 100% के लिए, तो कॉमनवेल्थ के थ्रू आपके पास स्कॉलरशिप अवेलेबल होती हैं, या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू आपके पास स्कॉलरशिप अवेलेबल होती हैं। अगर आपके पास उन वहाँ की एक्नॉलेजमेंट है और वो ऑर्गेनाइजेशंस आपकी फी बेयर करने को तैयार हैं, आपको स्कॉलरशिप दे रही हैं, तो हम आपको ऑफर लेटर जनरेट करा के दे सकते हैं, उसके थ्रू आप आगे परसू कर सकते हैं आपका मामला। That means, आपका कहने का ये मतलब है कि एक specific कोई criterion या अगर आपके पास एक अच्छी percentage है, then you can apply for scholarship. जी, tentative number of 30% है, up to 40% है, up to नहीं नहीं मैंने आपको बहुत क्या बताया sorry for interrupting you, मैंने आपको बताया A levels के अगर straight A's बच्चा लेके बैठा है तो हम कुछ scholarships के लिए देख सकते हैं, और अगर intermediate के अंदर कोई बच्चा 80s या 70s के अंदर आया है तो हम वो देखना पड़ेगा यूनिवर्सिटी के साथ कि कौन कौन सी मिल सकता है आपको options। ठीक हो गया। अच्छा next जो मेरा सवाल है आपसे वो IELTS पर, can you hear me sir? जी बिल्कुल। नेक्स्ट मेरा आपसे सवाल ये है कि IELTS की क्या रिक्वायरमेंट्स है, स्टेप बाय स्टेप बताइएगा। फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए अगर IELTS रिक्वायर्ड है तो क्या उसके लिए बैंड चाहिए, इंटर के लिए क्या IELTS चाहिए होता है, बैचलर्स के लिए क्या IELTS चाहिए होता है, मास्टर्स के लिए, स्टेप बाय स्टेप बताइएगा काइंडली, ताकि हमारे जो क्राउड है, जो ऑडियंस है सुनने वाली, वो बहुत ही चीज में डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है कि IELTS बहुत जो है आपको पता है इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये काइंडली जरा बताइएगा, गाइड कीजिएगा हमारे स्टूडेंट्स को कि क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं IELTS के लिए कनाडा में। देखिए मैं आपको बहुत कुछ बताता हूँ, IELTS की जो फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो 5.5 ओवरऑल और 5 इन ईच की होती हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं डिप्लोमास या फिर यूनिवर्सिटी ट्रांसफर प्रोग्राम्स के थ्रू, जो आपका फर्स्ट ईयर ऑफ डिग्री के इक्विवेलेंट होता है, उसमें 6 और 5.5 की आपकी रिक्वायरमेंट होती है ईच मॉड्यूल की। इसी तरह अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट डिग्री की, तो 6.5 और 6 इन ईच कंपोनेंट की आपकी रिक्वायरमेंट होती है। ताहिर कैन यू हियर मी सर, कैन यू हियर मी? यस आई कैन। इसके बाद लाइक आपने बताया, और मास्टर प्रोग्राम के लिए क्या है, मास्टर प्रोग्राम के लिए बता दे एक बार दफा फिर से, मास्टर प्रोग्राम के लिए टीचिंग का हो गया या एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, जहाँ पे आपको 7.5 और 7 इन ईच की भी रिक्वायरमेंट होती है, या 7 बैंड्स की या 6.5 इन ईच कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसके बाद में सवाल है मेरा आपसे इंटेक के बारे में बता दें, एक तो पहली बात इंटेक के बारे में बता दें, और सेकेंडली जो है वो अभी यूनिवर्सिटीज एडमिशंस दे रही हैं या नहीं दे रही हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है वायरस आया हुआ है पूरी दुनिया में, यूनिवर्सिटीज देख रही हैं, तो इस चीज को हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी कि क्या यूनिवर्सिटीज कनाडा की एडमिशंस अभी दे रही हैं या नहीं दे रही है। फर्स्ट पे आप हमें क्लियर कर दें इनटेक, ठीक है, देन उसके बाद आप हमें इस चीज को क्लियर कीजिए कि क्या यूनिवर्सिटीज एडमिशन दे रही हैं, क्लासेस हो रही हैं या नहीं हो रही, इसको बताइएगा, इस पे बताइएगा। जैसे कि आप जानते हैं पूरी दुनिया के अंदर ये पेंडेमिक आया हुआ है और पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, सारी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस अभी बंद हैं, लेकिन सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और यूनिवर्सिटीज आपको ऑफ लेटर्स इशू कर रही हैं, यूनिवर्सिटीज प्रोसेस कर रही हैं। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज की जो डेडलाइंस होती हैं सेप्टेम्बर इनटेक की, वो मार्च की होती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज की लेट मई की भी हैं और अप्रैल के लास्ट वीक की भी हैं, तो हमारे पास अभी ऑप्शंस ओपन है सेप्टेम्बर इनटेक के लिए। तो जो बच्चे अभी विलिंग हैं अप्लाई, स्टूडेंट्स अप्लाई करने के लिए, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 03464747031 के ऊपर, तो मैं उनको रिस्पॉन्ड बैक कर दूंगा और उनको जो गाइडेंस चाहिएगी वो उनको प्रोवाइड कर दूंगा, और हो सका तो सेप्टेम्बर इनटेक कर दूंगा, क्योंकि आपका जो ये करंट पेंडेमिक के अंदर जो लॉकडाउन है एक मंथ ज्यादातर 15 या 20 दिन के लिए, एक मंथ के लिए, सितंबर इनटेक के लिए अभी भी ऑफ लेटर्स इशू हो रहे हैं और यूनिवर्सिटीज अकोमोडेट कर रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, यूनिवर्सिटीज अपना काम कर रही हैं, बच्चों इवन मेरे पास अच्छे खासे जो स्टूडेंट्स हैं अभी भी वो रेफरेंसेस
उन्होंने उनके टीचर्स ने घर से उनको यूनिवर्सिटीज को सेंड किए हैं और सारा प्रोसेस वैसे ही चल रहा है. सिर्फ फर्क यह है कि वो जो काम ऑफिस में बैठ के होता था अब वो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है. इसमें कोई इतना इशू नहीं है. ठीक है, मींस क्या आपका कहने का मतलब है कि यूनिवर्सिटीज जो है एडमिशन दे रही है. स्टूडेंट्स ये ऐसे कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस अपना करवा सकते हैं और अगर क्लासेस लेट्स से क्लोज भी हैं तो जैसे ही ओपन होंगी फर्स्ट प्रायोरिटी उन स्टूडेंट्स को दी जाएगी जिनका फर्स्ट प्रायोरिटी पर एडमिशन हुआ होगा. ऐसा ही है बिल्कुल. जी बिल्कुल ऐसी है. और इवन कैनेडा हाई कमीशन ने उन बच्चों को एंट्री से नहीं रोका है जो वीजा लेके मई इंटेक का भी वीजा लिए हुए हैं. ठीक है, तो जो इवन उनको भी इजाजत है कि वो जा सकते हैं अगर कोई फर्स्ट कम फर्स्ट बेस पे कोई फ्लाइट अवेलेबल होती है और वहां जाके ऑनलाइन पढ़ सकते हैं चाहे तो पाकिस्तान से पढ़ सकते हैं. तो इसमें कोई इतना इशू नहीं है. और सेप्टेम्बर इनटेक तो वैसे ही वो इशू कर रहे हैं तो इसमें कोई इतना मसले वाली बात नहीं है. कैनेडा अकोमोडेट कर रहा है अभी भी. चलें ठीक हो गया साद. थैंक यू सो मच, आपने बहुत एक इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन हमसे डिस्कस की. हमारे लाइव ऑडियंस ने भी बहुत से ऐसे सवाल किए हैं, इंशाल्लाह उस पर भी डिस्कशंस होंगी. हमारे पास बहुत सी ऐसी क्यूरीज आई हैं जिसपे आपने जवाब दिया है. हमारे पास भी जो क्यूरीज रिसीव हुई थी उनसे रिलेटेड भी आपने बहुत सी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है. डेफिनेटली ये जो हमारी ऑडियंस है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन थी क्योंकि बहुत सी ऐसी क्यूरीज रिसीव हो रही थी. स्पेशल कैनेडा के लिए तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो डिस्कस कर रहे थे एसटीएस प्रोग्राम होकर बहुत से. तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन हमसे डिस्कस की है. तो मैं अपने लाइव अपने स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा, स्पेशली कराची से रिलेटेड भी जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, मिस्टर साद जो है वो कराची ऑफिस में हमारे होते हैं, एचआर कंसल्टेंट्स कराची ऑफिस में अवेलेबल होते हैं. अगर आप कराची से बिलोंग करते हैं तो आप मिस्टर साद को जैसे ही रिसेंटली ओपन होता ऑफिस आप इनसे अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, जाके मिल सकते हैं. अदरवाइज अभी रिसेंटली जो स्टूडेंट्स की क्यूरीज हैं वो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. इनके नंबर पर स्क्रीन पर इनका नंबर दिया गया 03464747031 इनका नंबर है. आप अभी इनसे अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर करें, इन्फॉर्मेशन गैदर करें, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए. आपकी अगर यहाँ पर कोई क्यूरी मिस हुई है या आप अपनी एप्लीकेशन प्लेस करना चाह रहे हैं एडमिशन से रिलेटेड, वीजा प्रोसेस से रिलेटेड, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है व्हाट्सएप पर भी इंशाल्लाह गाइडलाइन देंगे और या फिर आपसे ऑफिस में भी आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं. बट अभी रिसेंटली आप इनसे ऑन स्पॉट अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर करें, जो भी आपकी क्यूरीज है इंशाल्लाह ये आपको क्लियर करेंगे. और इसी के साथ जो है मैं अपने जो लाइव व्यूवर्स है देखने वाले उनको भी एक चीज गाइड करना चाहूंगा कि जिस तरह एक स्पेशल हमारे पास क्यूरीज आई थी आईएलटीएस से रिलेटेड. बहुत ऐसे स्टूडेंट्स परेशान थे आईएलटीएस से रिलेटेड जो क्लासेस नहीं ले सक रहे हैं, जिनकी इनटेक्स आ रही है और बहुत परेशान है इस वजह से आईएलटीएस से रिलेटेड. हमारे बहुत सी ऐसी क्यूरीज रिसीव हुई है, इवन इस पर भी हमारा एक सेशन भी हो चुका है जैसा कि आपने देखा होगा. तो मैं तमाम स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि एचआर कंसल्टेंट्स स्पेशल आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए पूरे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन आर्ट्स करना चाह रहे हैं एचआर कंसल्टेंट्स हैं उनके लिए अलहदा से ऑनलाइन क्लासेस का अरेंज किया है. और आप फर्स्ट ऑफ ऑल उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो आर्ट्स के लिए क्लासेस नहीं ले सक रहे वो अब भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं. अभी इस चीज के लिए अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए. फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ये जा रही है बहुत जबरदस्त किस्म की कि आप डेमो क्लास ऑफर की जा रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो क्लास होगी. इसमें किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं होंगे. आप ऑनलाइन हमें जो है वो क्लासेस में ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं. उसके बाद आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. जो स्टूडेंट रजिस्टर डिस्काउंट दे रहा, फी में भी डिस्काउंट दे रहा, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. तो आईएलटीएस के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए 03464747005 पर और अपनी रजिस्ट्रेशन कराइए ऑनलाइन और फौरन से डेमो क्लास ज्वाइन कीजिए और अपने आईएलटीएस को बगैर परेशान हुए कंटिन्यू कीजिए. थैंक यू मिस्टर साद, आज आपने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की इंशाल्लाह. और नेक्स्ट भी हमारे ऐसे ही सेशंस होते रहेंगे यूएसए, यूके, मलेशिया और इंटरनेशनली जैसे भी हमारे लाइव सेशंस हो रहे हैं. तो जो हमारे सेशंस हो रहे हैं इनको मलेशिया स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाह रहे हैं तो इन सेशंस को मिस मत कीजिए क्योंकि इन सेशन में बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है. ऑन स्पॉट एप्लीकेशंस प्लेस की जा रही है, ऑन स्पॉट एडमिशंस किए जा रहे हैं क्योंकि एचआर कंसल्टेंट्स की टीम घर बैठकर अपने स्टूडेंट्स को कंप्लीट फैसिलिटेट कर रही है, उनके एडमिशंस जो है वो करवा रही है यूनिवर्सिटीज में. क्योंकि
यूनिवर्सिटीज ने अभी एडमिशंस क्लोज बिल्कुल नहीं किए हैं, यूनिवर्सिटीज जो है वो एडमिशंस दे रही हैं, और लेट से अगर किसी कंट्री में क्लासेस नहीं भी हैं तो आप अभी अपना फॉरन ऑन स्पॉट एडमिशन कराइए, क्योंकि जैसे ही क्लासेस ओपन होंगी तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा जाएगा, और ये ना हो कि आपकी इनटेक मिस हो जाए। तो अगर आप वाकई में कमिंग इनटेक के लिए जाना चाहते हैं तो फौरन से अपना एडमिशन प्लेस कीजिए। और इसी के साथ मैं आज आपका अपना ये मिस्टर साहब के साथ सेशन एंड करना चाहूंगा। थैंक यू वंस अगेन मिस्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं भी बस एंडिंग नोट पे कुछ कहना चाहूंगा कि उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो अभी भी अप्लाई करना चाहते हैं और विलिंग हैं सितंबर इनटेक में या जनवरी इनटेक में ज्वाइन करने के लिए, और अभी जिनका आईएलटीएस रहता है वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, और हमें तब तक अपने डॉक्यूमेंट्स आप हमें सेंड करें, हम आपके असेसमेंट करके यूनिवर्सिटीज के आपको ऑप्शन देंगे, वहां अप्लाई करेंगे, आपके कंडीशन ऑफ लेटर जनरेट करके रखेंगे, और जब तक आपका आईएलटीएस होता है फिर वो उन कंडीशंस को मेट करके अनकंडीशनल करके फिर आगे के फर्दर प्रोसीडिंग्स की तरफ जाएंगे। तो इसमें कोई मसला नहीं है, हम लोग 24/7 आपकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन कि हमारे जो ये लाइव सेशंस हो रहे हैं एफबी के ऊपर, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको जो क्यूरीज हैं वो हमसे शेयर कर सकते हैं, चाहे तो एफबी पे, चाहे तो हमारे वेबसाइट के ऊपर hrpakistan.com या hrpakistan.org के ऊपर, हम लोग उनको बैठ के अकोमोडेट करने के लिए तैयार हम लोग बैठे हैं, आपके लिए अवेलेबल हैं, और एचआर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है आपको, चाहे जो भी पेंडेमिक के थ्रू लॉकडाउन चल रहा है, हमारी सर्विसेज वैसी ही हैं जैसे हम आपको ऑफिस में प्रोवाइड कर रहे थे, आज हम आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो मैं इनकरेज करता हूँ कि वो अप्लाई करें, और वो लोग जो आईएलटीएस के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनको रेकमेंड करूंगा कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें। एंड थैंक यू सो मच आज का सेशन रखा, और ये उम्मीद करता हूँ ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा अच्छा खासा इन्फॉर्मेटिव सेशन होगा, और जो जिन स्टूडेंट्स को कुछ और क्यूरीज हैं या कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं अपने केस से रिलेटेड, वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारे एचआर के पेज के ऊपर हमें क्यूरी प्लेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस्टर साहब। जैसा कि आपने देखा मिस्टर साहब ने आपके साथ डिटेल्स शेयर किया, तो फौरन से आप अभी अपना जो है डॉक्यूमेंट्स मिस्टर साहब के साथ फॉर कनाडा शेयर कीजिए, अपनी जो भी क्यूरीज हैं उनको क्लियर कीजिए। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर एंड होता है। जाने से पहले मैं एक दफा उन सब के लिए दुआ करूं कि जो इस वायरस की वजह से अब अल्लाह ताला को प्यारे हो चुके हैं, और जो इस अल्लाह ताला का अगला जहान अच्छा करे, और जो इस वायरस की वजह से मुब्तला है इस वायरस में, अल्लाह ताला उनको सेहत याब कर और हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखिए। स्टे सेफ, स्टे होम, अपना ख्याल रखिएगा। Allah Hafiz.